आज मैं जिस टूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उस टूल का यूज़ करके यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड टूल का यूज़ करके मैंने इन तीन इमेज को जेनरेट किया है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी दो टूल्स के बारे में डिस्कस कर रखा है, उनके वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर इन तीनों को कंपेयर करें, इंक्लूडिंग जो आज का हम जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का टूल बेस्ट है। ओके, तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इस टूल का नाम है playgroundai.com। ओके, इसका नाम है प्लेग्राउंड, इसका डोमेन नेम है playgroundai.com। आपको करना क्या है, इस एड्रेस पर जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है अपनी ईमेल आईडी सबमिट करके। यहाँ पर आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं, ये राइजिंग मींस पॉपुलर इमेजेस हैं जो इस वक्त पॉपुलर हैं इस टूल में, एनिमल्स में। जब आपको एनिमल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से अगर कोई आपकी चॉइस हो तो वो इमेज चूज कर सकते हैं। लैंडस्केप में आपको लैंडस्केप मिल जाएंगे, तो आपको जो पर्टिकुलर जो लैंडस्केप चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद उसका प्रॉम्प्ट कॉपी करके उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग इमेज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साइंटिफिक इमेजेस आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ भी आप प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर सकते हैं और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको लगता है यहाँ पर आपके काम की इमेज नहीं है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो रोबोट चाहिए थे तो हमने रोबोट सर्च कर लिया यहाँ पे, तो अब क्या करेगा, जो रोबोट से रिलेटेड जो भी प्रॉम्प्ट हो सकते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है ना, ये इसका प्रॉम्प्ट है, ये रोबोट है। तो अगर आपको कोई पसंद आ रहा है इसमें से, बहुत सारे आपको रोबोट मिलने वाले हैं, ठीक है ना, मान लो आपको ये पसंद आ रहा है, तो आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अलग अलग मॉडल्स में इसको प्रॉम्प्ट को पेस्ट कीजिए। ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके की इमेजेस आएंगी, फिर आपको जो पसंद हो उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्लेग्राउंड एआई। ओके, आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जो सबसे पहले मॉडल में मैंने लेक्सिका के बारे में बताया था, वहाँ पर आप कोई प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए और सारे टूल्स में सेम प्रॉम्प्ट का यूज़ कीजिए, फिर देखिए कि किसकी फोटोज सबसे बेस्ट हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसके प्राइसिंग मॉडल की बात करें तो ये फ्री फॉर एवरीवन है। अगर आपको 1000 इमेजेस पर डे आपको क्रिएट करनी है तो कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, और आप उन इमेज को कॉमर्सली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, बट हमें उनकी अभी ज़रूरत भी नहीं है, इतना बहुत है। ठीक है, वैसे जो प्लान है वो $15 पर मंथ है और ये एड ऑन है $10 पर मंथ का, लेकिन हमें फ्री में काम चल जाएगा, 1000 इमेजेस पर डे हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इसमें से पॉपुलर में हम इसको जेनरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है प्रॉम्प्ट और दूसरा है रिमूव्ड फ्रॉम इमेजेस। अगर हम सिर्फ प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे, ठीक है ना, तो प्रॉम्प्ट ये बताता है कि आप ऐसी इमेज जनरेट करो, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड, तो बहुत सारी कल्पनाएं करता है, तो हम ये बता रहे हैं कि ये कल्पनाएं तो बिल्कुल मत करना, कि दो खोपड़ी मत लगा देना, टू हेड्स नहीं होने चाहिए, टू फेसेस नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, लेकिन हम सिर्फ प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। यहाँ पर हम क्रिएट में क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये आपका आ रहा है क्रिएट में, यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ रहा है, इस पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पर रिमूव फ्रॉम इमेजेस, जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर एक और बॉक्स आ जाएगा सेकेंड, यानी कि ये जो आ रहा था इसको हम कर सकते हैं पेस्ट, बट हम ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा जितना आप कर सकें। ठीक है, आपको समझा देते हैं एक बार। इसके बाद आपको फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके फिल्टर्स लगे हैं बहुत सारे, ठीक है, इनको आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेट्रो फ्यूचरिज्म, ये फिल्टर मैंने चूज़ किया। यहाँ पर ये मॉडल हैं, ठीक है ना, मैंने स्टेबल डिफ्यूजन 1.5, यहाँ पर डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस के अलावा ये दो चीज़ें समझ लीजिए, एक है प्रॉम्प्ट गाइडेंस। प्रॉम्प्ट गाइडेंस क्या बोलता है, जितना आप हाइएस्ट वैल्यू रखोगे, ठीक है ना, उतना ही एग्जैक्ट जो आपने लिखा है वैसी इमेज जनरेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम उस इस इंटेलिजेंस के लिए कुछ छोड़ो, तो इसकी वैल्यू कम ही रहने दो, ठीक है ना, 12 या 11 सफिशेंट है, इतनी ही रहने दो कि कम से कम ये कुछ कल्पनाएं तो कर पाएगा। ठीक है, तो जितना आप इधर रखोगे तो उतनी ही ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी ज़्यादा नज़र आएगी, इस टूल की क्रिएटिविटी, और जितना इधर करोगे तो एज इट इज़ नज़र आएगा जैसा आपने प्रॉम्प्ट दिया है। तो हमने चूज़ किया 11। क्वालिटी क्या है, अगर आप क्वालिटी बढ़ाओगे तो टाइम काफ़ी लेगा, तो हम क्वालिटी नहीं बढ़ाते हैं, इसको रखते हैं 48 या 50 के आसपास ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हैं इसके फीचर्स। यहाँ पर आपको देख लो सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे मॉडल्स भी मिल रहे हैं, फिल्टर्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। अब हम एक काम और भी कर सकते हो, आप अपनी इमेज को इम्पोर्ट कर सकते हो और उसको रीजनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं।
अब हम ये जो प्रॉम्प्ट था इसको जेनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये तीन इमेजेस को जेनरेट कर रहा है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अभी आपको दिखाते हैं, यहां पर मैंने तीन सेलेक्ट कर रखा है, इस वजह से इसने तीन इमेजेस को जेनरेट किया, ठीक है ना। ये तीन इमेजेस इसने जेनरेट की हैं, बुरी नहीं है। यहां पर आप इमेज को रेट भी कर सकते हैं एंड यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मॉडल चेंज करेंगे, ठीक है, इसको मैं दो कर देता हूं, अगर आप मॉडल चेंज कर देंगे यहां पर तो इमेज अलग अलग आने लगेंगी। साथ में चूंकि ये फ्यूचरिज्म की यहाँ मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इस वजह से ऐसे आ रही हैं, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कर देता हूँ पॉलीमोड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब हम दूसरी इमेज को ही लेते हैं, एनिमल्स पर जाते हैं, एलिफेंट देखते हैं, ठीक है। इसको हम मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ मैंने फिल्टर चेंज कर दिया है, ठीक है ना, फिल्टर के अकॉर्डिंग भी होगा यहाँ पर। एंड जेनरेट में क्लिक कर दिया, जैसे ही जेनरेट में क्लिक करेंगे ये जेनरेट करने वाला है, 1 मिनट। ये इसने दो इमेजेस कितनी प्यारी सी, ये देखो, ठीक है। यहाँ इसको बिग बड़ा कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है, थोड़ा ब्लर है, आगे इसको देखते हैं, ये क्लियर है शायद। कितनी प्यारी सी इमेज, ठीक है। जैसे ही मॉडल चेंज करेंगे इमेज चेंज हो जाएगी। एक और देख लेते हैं, देखो ओरिजिनल इमेज कैसी थी, ऐसी थी, लेकिन जैसे ही मॉडल चेंज किया तो मॉडल वो जिस तरीके से उसको ट्रेन किया गया था उसके अकॉर्डिंग इसने जनरेट किया। इसमें फिल्टर क्या है, पॉलीमोड, ठीक है ना, इस वजह से इस फिल्टर के अकॉर्डिंग भी इसने जनरेट करने की कोशिश की। अब मैं कलर प्रॉप चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर तीसरी इमेज, यहाँ पर हम जाते हैं लैंडस्केप में, ठीक है, और कोई लैंडस्केप को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। चलो इसी को जनरेट करते हैं। यहाँ पर आप पूरा यूज करेंगे, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खूब कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मैं नया पेस्ट कर दिया, ओके। यहाँ कलर प्रॉप है, सब कुछ सेम रखते हैं। इमेजेस कर दी मैंने टू एंड जेनरेट, देखते हैं क्या जेनरेट करता है। मैंने कॉपी किया था ये सीन, ठीक है, 12 सेकेंड ले चुका है। उफ़ो, थोड़ा सा ब्लर है बस, ठीक है, ठीक है। आप मॉडल चेंज करके खूब देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ फिल्टर बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर आप सिलेक्टेड जितने फिल्टर हैं आप उनको एक एक करके टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा फिल्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, से यहाँ से आप प्रॉम्प्ट को कॉपी कीजिए और लेक्सिका वगैरह में, ठीक है ना, या फिर इंस्टेंट आर्ट में वहाँ पेस्ट कीजिए और देखिए कहाँ पर कैसी इमेजेस हैं। इसके बाद इन इमेजेस को आप कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, ठीक है, इनसे पैसे भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा प्ले ग्राउंड AI। और हाँ, अगर आपको हमारा कॉन्टेंट और हमारी एफर्ट्स पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टूल के साथ। थैंक यू।